पूरे देश में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। रोजाना कोरोना के बढ़ते मामले ये बताने के लिए काफी हैं कि अभी हालात इससे भी बुरा होने वाला है। जिस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश कराह रहा था, उस वक्त हमारे देश के प्रधान सेवक पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली का लुत्फ उठा रहे थे। चुनावी रैलियों में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन होने के बावजूद पीएम मोदी भीड़ को देखकर चुनाव की रंगीन फिजा का मजा ले रहे थे। जब चुनाव बीत गया तब आनंद फानंद में जनता से तमाम तरह की अपील करने लगे। अब ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, ज्यादातर खबरें ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों की आ रही हैं। ऐसे में पूरी दुनिया से भारत के लिए मदद का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत में बीजेपी और आरएसएस की नजर में मुस्लिम समुदाय पंचर पुत्र है, लेकिन कोरोना महामारी के इस दौर में मुस्लिम देशों ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। निक्कर सेना की भाषा में कहें तो पंचर पुत्रों ने भारत को मदद भेजना शुरू कर दिया और विश्व गुरु भारत ने इस मदद को बिना देरी झट से लपक लिया। ऐसे में सऊदी अरब ने भी भारत को ऑक्सीजन मुहैया कराना शुरू कर दिया। मोहम्मद और उनकी कौम को गाली देने वाले यही कच्चेधारी अब मोहम्मद के शहर से आए ऑक्सीजन को देखकर अपनी जबान लपलपा रहे हैं। ऐसे में भक्तों को खुश करने के लिए उन ऑक्सीजन टैंकरों पर अंबानी की कंपनी के स्टिकर लगाए जा रहे हैं जिन्हें सऊदी अरब ने भेजा है, लेकिन तमाम कोशिशों और फरेब के बावजूद अरबी में लिखे अल्लाह को स्टिकर से ढका नहीं जा सका। इसका जीता जागता एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक ऑक्सीजन टैंकर के उस हिस्से को दिखाया गया है जिस पर लिखा है ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, यानी कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं, कोई दूसरा पूजनीय नहीं और मुहम्मद ही अल्लाह के रसूल है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से इसका खंडन नहीं किया गया और न ही कोई बयान सामने आया है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह अरबी में लिखे हुए अल्फाज के ऊपर किस तरह से अंबानी की कंपनी का स्टिकर लगाया गया है, लेकिन उस हिस्से पर स्टिकर नहीं लग पाया जहां अल्लाह लिखा हुआ था। इससे साफ जाहिर होता है कि यह टैंकर सऊदी अरब का भेजा हुआ है जिस पर अंबानी का लेबल लगाकर अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में प्रधान सेवक बेइज्जती करवा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।